जी सुबह के बज रहे थे 6 और हम निकल पड़े अपनी फ्लाइट के लिए। आज भाई ने जाना था वापस चाइना और हमारे साथ तो आज मोए मोए ही हो गया। इतने ज्यादा उदास से और सुबह की उठी हुई शक्लें लेके हमें पता ही नहीं था कि सूरज निकलता कहाँ से। आज पहली दफा हमने देख ही लिया, नहीं तो हमारी रोज सुबह 12-1-2 बजे से पहले होती नहीं है। खैर आप लोग ने इतने कमेंट किए डेली व्लॉगिंग शुरू करें। अगर मैंने डेली के व्लॉग्स डालने पहले शुरू किए थे पर उस पर कोई व्यूज ही नहीं आते थे इसलिए वो हमने छोड़ दी। मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ बोर करूँ, हमारी जिंदगी में ज्यादा कुछ चलता नहीं है। सुबह उठते खाते पीते और सो जाते हैं। और हम पहुंच गए एयरपोर्ट, एयरपोर्ट जाते साथ ही हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और इसको मैंने बोला हाय, बोले तो ये हंसने लग गया। कुछ दिन भी ऐसे होते हैं, कहते हैं ना कि दिन आज हमारा लिए अच्छा नहीं था। सबसे पहले तो हम एयरपोर्ट पहुंचे, सबसे मिलना मिलाना भी हो गया, हमारा तो सब कुछ फाइनल हो गया था। भाई अंदर जाने ही लगा था कि जी हमें पता चलता है कि उसकी फ्लाइट हो गई है कैंसिल। अब हम परेशान हो गए क्योंकि पापा के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ और भाई कहीं दूसरी दफा ट्रैवल कर रहे हो और ये दूसरी दफा है जो भाई अकेले जा रहा है, पहले पापा के साथ गया था। हम इतने परेशान हो गए कि क्या करें, पर बच्चों ने अपनी बातों से इतना खुश किया हुआ। बाबू इन्होंने तो ऐसा समझा हुआ था जैसे एयरपोर्ट इनका प्लेग्राउंड बनाया हुआ था। खैर हम वापस घर आए, आराम से सोए, दोबारा टिकट फाइनल हुई रात के 4 बजे की। उसी दिन रात के 4 बजे हम दोबारा निकल पड़े। सुबह के टाइम तो मम्मा इतना रो रही थी कि बेटा ना जा। मैंने कहा मम्मा आपकी दुआएं अल्लाह ने सुन ली, एक दिन का आपको और टाइम मिल गया और उस पूरे दिन में ये लोग बस सोते ही रहे। खैर हम एयरपोर्ट पहुंचे, अब ये दूसरी दफा हमने फ्लाइट कराई तो हम इतना सारा डरे हुए थे कि पता नहीं अब कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए अंदर तक देख रहे थे कि वो अंदर चला गया। उसके बाद भी हम गए नहीं, हम 2 घंटे वहीं पर इंतजार करते रहे कि उसकी बॉडी कंप्लीट हो जाए, वो एयरपोर्ट में बैठ जाए, फिर मम्मा के दिल को सुकून आएगा। और हमने सुबह होते हुए देखी, माशाल्लाह इतना प्यारा मंजर, मुझे तो पता ही नहीं था कि सुबह ऐसे होती है। इतना प्यारा पूरा आसमान रेनबो सा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। मैंने इतना कैप्चर किया पर इतनी लंबी व्लॉग नहीं कर सकती थी तो मैंने बस थोड़े थोड़े क्लिप्स ऐड किए। इसके बाद हमें भाई का यहाँ पे एक फ़ोन आया, हम नीचे चले गए, फिर गाड़ी में बैठ के भी हमने इतना इंतज़ार किया कि उसका दोबारा से फ़ोन आ जाए। फाइनली जब हम उसने अपनी पिक्चर भेजी हमें कि अब मेरी बोर्डिंग हो गई है तो फिर हमें सुकून आया और हम चले घर को। जो फ्लाइट कैंसिल हुई ना उसने इतना ज़्यादा झटका दिया ना, इतने हम परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा। पापा ने इतना दिलासा दिया, पापा चाइना में थे, यहाँ पे होते तो कुछ अलग ही बात होती, और मामा के लिए उनका बेटा तो हमेशा छोटा ही रहेगा। मामा का बस ना चले फ्री में उसके साथ ही एयरप्लेन में घुस जाती। खैर अगले दिन उसकी जो फ्लाइट हुई थी वो इतनी ज़्यादा स्टे वाली थी, पूरे 24 घंटे का सफ़र था। जो पहली फ्लाइट थी वो इतने स्टे वाले नहीं थी, अगले दिन के सुबह 8 बजे तक उसने पहुँचना था। जब तक वो पहुँचने ना गया मम्मा को सुकून नहीं आया। फाइनली माशाल्लाह वो पहुँच गया चाइना, तब जाके मामा ने कहा अब मैं खुश। आज के कमेंट सेक्शन में हम डेली व्लॉगिंग की वोटिंग करेंगे।